जैसे कि हमने पिछले सेशन में फ्लूइड्स के बारे में इनिशियल जानकारी ली थी, अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जो नेक्स्ट लॉजिकल पॉइंट जो है वो है पास्कल्स लॉ। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट। पास्कल एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पे लॉ है। पास्कल ने क्या कहा, प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, आई रिपीट, प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट, दैट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स प्रोवाइडेड दे आर एट द सेम हाइट और सेम लेवल। से ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसके अंदर ये फ्लूइड है, ठीक है। तो अगर मैं एक लेवल को देखता हूं, मान लीजिए ये लेवल है, यहाँ पे इस ये पूरी हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें मैंने ये एक पर्टिकुलर लेवल लिया है, अभी ये लेवल ले रहा हूं मैं लेवल। तो यहां पे अगर ये पॉइंट लेता हूं, से ये ए है, तो यहां पे प्रेशर जो होगा वो वही प्रेशर होगा जो इस लेवल के दूसरे पॉइंट पे होगा जो बी है। सो ए और बी पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, ये कहा था पास्कल, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। दोबारा अगर हम इसको समझे, प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है, रेस्ट में होना जरूरी है, हम फ्लूइड इन मोशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो इफ द फ्लूइड इज एट रेस्ट देन द प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ दे आर एट द सेम हाइट, ठीक है, बड़ा आसान चीज हो गया। इसी में जो दूसरी चीज समझने की है, एक तो हो गया सेम सेम प्रेशर एट सेम हाइट, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसी से रिलेटेड है, क्या कहती है कि प्रेशर जो है सेम लेवल पे तो सेम होगा सब जगह, लेकिन किसी एक पॉइंट पे अगर उस लेवल पे हम प्रेशर को देखें, मान लीजिए ये फिर से मैं कंटेनर बनाता हूं समझाने के लिए दोबारा, कंटेनर हो गया, ये आपका एक लेवल हो गया जहां पे कंटेनर भरा हुआ है। मान लीजिए इसके अंदर हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट सी है, ठीक है, तो सी पे क्या होगा, ये प्रेशर होगा क्योंकि लिक्विड कॉलम इसके ऊपर है, तो यहां पे इस पे पॉइंट पे एक प्रेशर होगा, लेकिन उस प्रेशर का डायरेक्शन क्या होगा। तो पास्कल ने कहा जो डायरेक्शन होगा प्रेशर का वो सभी डायरेक्शन में सेम प्रेशर होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं सी को यहाँ मैग्निफाइड लू, सी पॉइंट का ये सी यही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये बाहर निकाल के दिखा रहा हूं, तो अगर मैं कहूं इस डायरेक्शन में क्या प्रेशर है, तो वो होगा पी एट सी। इस डायरेक्शन में क्या प्रेशर है, वो भी पी एट सी। इस डायरेक्शन में क्या प्रेशर है, वो भी पी एट सी। इस डायरेक्शन में क्या प्रेशर है, इसका मतलब हो गया मैं डायरेक्शन कोई भी लूं एक गिवन पॉइंट पे, तो प्रेशर जो होगा सेम होगा ऑल डायरेक्शन। दोबारा कहता हूं, अगर हम कोई एक पॉइंट चूज कर लें फ्लूइड के अंदर, ठीक है, उस फ्लूइड पे जो प्रेशर होगा वो हर डायरेक्शन में सेम होगा, ठीक है। तो ये होगी पास्कल की लॉ। पास्कल की लॉ में दो चीजें बताता है, एक तो एक गिवन लेवल पे, लिक्विड के एक गिवन लेवल पे, गिवन लेवल डेप्थ से भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में ये लेवल है, ये मैं नीचे से भी ले सकता हूं, सारे पॉइंट्स जो इस डेप्थ से इतनी दूरी पे हैं, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस पे सरफेस से जितने भी पॉइंट्स होंगे, अगर सरफेस एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो जितने भी एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट्स होंगे उन सब पे प्रेशर सेम होगा। दूसरी बात क्या कही कि एक गिवन पॉइंट पे फ्लूइड के अंदर प्रेशर का जो डायरेक्शन होगा, वो प्रेशर जो होगा हर डायरेक्शन में एक ही प्रेशर होगा, हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर होगा, यानी कि प्रेशर एक गिवन पॉइंट पे हर डायरेक्शन पे इक्वल ही होगा। ये फिर से वही रीजन बन जाता है कि प्रेशर जो है वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, या वो सभी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो सी पॉइंट पे प्रेशर, अगर कोई पूछे आपसे कि प्रेशर का डायरेक्शन क्या है सी पॉइंट पे, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सी पे जो प्रेशर का डायरेक्शन है वो हर डायरेक्शन में सेम है, ठीक है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। एक और रीजन प्रेशर के स्केलर होने का, बिकॉज इट डजेंट हैव एनी डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन, इट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, सो इट इज स्केलर, ठीक है। तो ये होगी पास्कल्स लॉ। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट इसी पे हम लेते हैं।
हम फोकस करते हैं एक नेक्स्ट, इसी लाइन में जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो है प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ। प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ। अब हमने ये तो जान लिया कि प्रेशर जो है एक गिवन फ्लूइड के अंदर, प्रेशर जो है अगर हम टॉप टू डाउन जाएं फ्लूइड के अंदर, ठीक है, मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसके अंदर फ्लूइड है, एक कंटेनर है और इसके अंदर ये, इसके अंदर जो है, इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। इसको दोबारा से देखते हैं, ये एक फ्लूइड का कंटेनर है, ठीक है, इस पे एक बॉटम सरफेस पे फोकस करते हैं, बॉटम सरफेस है इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। अब फ्लूइड का जो फोर्स है, फ्लूइड का जो वेट है, वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। फ्लूइड का जो फोर्स है, जो वेट है, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, किसके ऊपर एक्ट करेगा, वो जो वेसल है, जो कंटेनर है, उसके बॉटम सरफेस के ऊपर। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसका एक एक्सप्रेशन लाते हैं, तो जो वेट होगा लिक्विड का वो कितना होगा, वेट ऑफ लिक्विड कितना होगा, वो एम इंटू जी, ये टोटल वेट होगा, ठीक है। इसको हम फोर्स भी बोल सकते हैं, फोर्स जो लग रहा है वो कितना होगा, एम टाइम्स, एम क्या है, इस पूरे लिक्विड का मास, मास ऑफ लिक्विड, और जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब लिक्विड का मास जो है हमें मालूम है, डेंसिटी से किस तरह से रिलेटेड है, हमें मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हुआ, मास, मास हो गया रो इंटू वी, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो टोटल मास कितना हो गया फ्लूइड का, फ्लूइड की डेंसिटी रो और उसका वॉल्यूम, ये हो गया मास। फिर से हम फोर्स पे आते हैं, तुम्हारा फोर्स का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा रो इंटू वी इंटू जी, ये हो गया डाउनवर्ड फोर्स। अच्छा, अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम यहां पे इसकी जो कंटेनर है उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं ए, इसकी जो एरिया है कंटेनर की, क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा जो वॉल्यूम है तो कितना है कंटेनर का, एरिया इंटू हाइट एच, एरिया ए है और ये हाइट, ये लिक्विड कॉलम है, कॉलम है इसकी, इसकी हाइट एच, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, ठीक है। तो हम वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया इंटू हाइट, प्रेशर हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम दोनों का एक्सप्रेशन को जब मिलाएंगे तो क्या आएगा अपने पास, प्रेशर इज फोर्स जो कि था रो वी जी अपॉन एरिया, ये फर्दर हम इसको लिखेंगे रो V हो जाएगा A इंटू एच इंटू जी डिवाइड बाई एरिया A। इसका मतलब क्या हुआ, तो प्रेशर है वो हो गया रो, यहां से ये वाला रो हो गया, इस A से ये A कट गया, बता गया रो जी एच, रो जी एच। तो ये जो एक्सप्रेशन आया अपने पास फाइनली, P इज इक्वल टू रो जी एच, ये हो गया अपना प्रेशर एट एनी डेप्थ एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको रिव्यू कर लेते हैं एक बार। प्रेशर अपना आया रो इंटू जी इंटू एच, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या था, एट इज हाइट ऑफ लिक्विड फ्रॉम सरफेस। जैसे इसको रिव्यू कर लेते हैं एक बार, मान लीजिए लिक्विड है, अगर यहां पॉइंट पी लू, इस पर प्रेशर कितना होगा, इसको जानने के लिए हमने फिर से
ये कॉलम देखनी होगी, ये जो हाइट है सरफेस से, तो प्रेशर एट पॉइंट पी, पी की जगह इसको ए कर लेते हैं, प्रेशर एट पॉइंट ए कितना होगा, पी ए कितना होगा, अगर ये हाइट एच है, हाइट एच इज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, प्रेशर एट पॉइंट ए कितना हो गया, रो जो कि डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और आ जाएगा ये ई। और इसका मतलब क्या होगा, अगर सरफेस पे कोई पॉइंट लेंगे, यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, क्या यहाँ पे जीरो प्रेशर होगा, नहीं यहाँ पे प्रेशर होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं से ये पी नॉट है, तो यहाँ पे सरफेस ऑफ द लिक्विड पे भी प्रेशर होगा जो कि एयर कॉलम की वजह से होगा, जो हमारे ऊपर जो एयर कॉलम है उसकी वजह का प्रेशर भी होगा, सो पी नॉट यहाँ पे प्रेशर होगा, लेकिन लिक्विड का प्रेशर इस पॉइंट पी पे, इस सेकेंड पॉइंट जो बी है, जो ये वाला पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है, इस पे लिक्विड का कोई प्रेशर नहीं होगा, लेकिन एयर कॉलम का जरूर प्रेशर होगा, तो इसको हम बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो पी एट बी कितना होगा, 1 atm, 1 atmosphere प्रेशर, जो होता है हमें मालूम है 10^5 पास्कल्स होता है, ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 1.01 × 10^5 पास्कल्स, तो ये हो गया एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो पी एट ए कितना होगा टोटल, पी एट ए होगा पी एट बी प्लस रो जी एच, पी बी को मैं पी नॉट बोलूंगा, पी बी इज नथिंग बट एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो इसको मैं बोलूंगा पी नॉट, तो पी ए हो गया पी नॉट प्लस रो जी एच, जो पी नॉट जो आइटम है इसको हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अब तक जो हमने जाना उसको, उसके इफेक्ट देख लेते हैं, तो ये इक्वेशन हमने डिराइव की, रो इक्वेशन हमने डिराइव की थी, प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड इज रो जी इंटू एच, रो इज द डेंसिटी, जी इज द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब पहला पॉइंट इसमें क्या बनता है, अगर लिक्विड गिवन हो और गिवन लिक्विड का क्या मतलब हो गया, क्या उसका फिक्स हो गया, डेंसिटी इज नोन, नाउ इज नोन डेंसिटी इज नोन और डेंसिटी इज गिवन, उस केस में क्या होगा, अगर दो अलग अलग लिक्विड्स को लें जिनकी डेंसिटी सेम है, तो क्या होगा, पी इज इक्वल टू रो, पी वन इज इक्वल टू रो जी एच वन, पी टू इज इक्वल टू रो जी एच टू, ठीक है, डेंसिटी फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या हुआ है, इन दोनों का मतलब क्या हुआ, पी वन बाई पी टू इज इक्वल टू एच वन बाई एच टू, इस फॉर्मूले को कब लगाएंगे, जब दो अलग अलग कंटेनर्स में सेम डेंसिटी का लिक्विड हो या सेम लिक्विड हो, उस केस में कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे, एक का डिस्टेंस h1 है फ्रॉम सरफेस ऑफ द लिक्विड ये वाला, और दूसरे का डिस्टेंस h2 है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो प्रेशर की रेशियोज क्या होंगी उस केस में, p1 by p2 is equal to h1 by h2, ठीक है, इसको बनाना है इस तरह, समझ सकते हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड है, मान लीजिए एक पॉइंट ये है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट ये है, तो इस केस में क्या होगा, 1 और 2 की रेशियो प्रेशर की किस तरह से होंगी, ये लिक्विड सेम है, तो ये जो ऊपर मैंने लिखा है पी वन बाई पी टू इज इक्वल टू एच वन बाई एच टू, पी वन यहाँ पे पी एट ए है और पी टू है पी एट बी है, तो पी वन है ये पॉइंट ए है, पी टू जो है ये पॉइंट बी, तो प्रेशर की रेशियो जो होंगी हाइट की रेशियो के बराबर होंगी। दूसरा जो पॉइंट यहां से निकल के आ रहा है, अगर डेंसिटी सेम है, मतलब अगर डिफरेंट लिक्विड्स हैं, अगर डिफरेंट लिक्विड है, इसका मतलब एक की डेंसिटी रो वन है, दूसरे की डेंसिटी रो टू है, उस केस में फॉर्मूला कैसे लगेगा, कैसे अप्लाई होगा, उस केस में प्रेशर प्रेशर अगर हम देखें सेम हाइट पे प्रेशर देखेंगे तो क्या आएगा, यानी कि हाइट सेम है दो केसेस में, उस केस में कैसा ये फॉर्मुलेशन बनेगा, P इज प्रोपोर्शनल टू
रो, ठीक है। सो P बाई रो इज कॉन्स्टेंट, सेम हाइट की बात कर रहे हैं, इस केस में P बाई रो इज कॉन्स्टेंट, तो P1 बाई रो 1 शुड बी इक्वल टू, सो जो प्रेशर की और उसकी डेंसिटी की जो रेशियोज होंगी वो सेम होंगी दोनों लिक्विड्स में, ठीक है। P बाई रो कॉन्स्टेंट है तो P1 बाई रो 1 इज इक्वल टू P2 बाई रो 2, सो ये ध्यान रखना है। प्रेशर की रेशियोज भी सेम निकाल लेंगे फर्दर, क्या होगा P1 बाई P2 इज इक्वल टू रो 1 बाई रो 2। ये अगर डिफरेंट लिक्विड्स हैं यानी कि डिफरेंट डेंसिटीज हैं उस केस में अगर सेम हाइट पे प्रेशर की रेशियोज लेंगे तो P1 बाई P2 विल बी रो 1 बाई रो 2। इसी में तो थर्ड पॉसिबिलिटी बनती है वो है अगर प्रेशर सेम है इन्हीं दो पॉइंट्स पे, पी अगर सेम है, ठीक है। तो दो अलग अलग लिक्विड्स हैं जिनमें दो पॉइंट्स में अगर प्रेशर सेम है तो उस केस में क्या होगा, अगेन P1 क्या होगा, पहले लिक्विड में क्या होगा P1 क्या होगा प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्या होगा रो इंटू जी इंटू एच, क्योंकि हमने फॉर्मूला डिराइव किया था अभी वही होगा, और क्योंकि प्रेशर सेम है दोनों लिक्विड्स में तो कैसे इक्वेशन बनेगी, रो वन जी एच वन शुड बी इक्वल टू रो टू जी एच टू, जी से जी कैंसिल हो गया, रो वन एच वन इज इक्वल टू रो टू एच टू, ये तीसरी पॉसिबिलिटी बनेगी प्रेशर सेम है। तो इस केस में हमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर दो अलग अलग लिक्विड्स में पॉइंट्स, दो पॉइंट्स पे दोनों लिक्विड्स के गिवन एक एक पॉइंट्स पे अगर प्रेशर सेम है तो उस केस में सवाल आ सकता है कि हाइट की रेशियोज निकालो या डेंसिटीज की रेशियो निकालो, ठीक है। तो इस केस में रो मतलब क्या हुआ, रो वन बाई रो टू इक्वल टू एच टू बाई, सो ये रेशियो जो तीन ये रेशियो बन गई। सो ये तीनों केसेस जो हमने डिस्कस किए ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनके द्वारा थैंक यू, आगे फिर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।